नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम हिमाचल प्रदेश में स्पीति जा रहे हैं। जर्नी की शुरुआत हम शिमला से कर रहे हैं। इस समय हम शिमला से 15 किलोमीटर आगे ग्रीन वैली व्यू आ चुके हैं। ग्रीन वैली व्यू को हसन वैली व्यू भी बोलते हैं। आप देखिए, सामने घना जंगल दिखाई दे रहा है हमारे को, कितने सारे पाइन ट्रीज हैं। इस समय तो देखो विजिबिलिटी डाउन है। सुबह 7:30 बजे का टाइम है, कुछ देर के लिए धूप निकली थी लेकिन फिर वापस बादल आ गए। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये शिमला नारकंडा हाईवे है, तो यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो नारकंडा पहुँच जाएंगे। हम भी यही रूट लेने वाले हैं। नीचे आपको वो ट्रैक दिखाई दे रहा है, मैंने किसी से पता लगाया कि ये टोटल ना 6 किलोमीटर का ट्रैक है। फॉरेस्ट से आप परमिशन लेके यहाँ पर आप साइकिलिंग करने जा सकते हैं या थोड़ा वॉक करते करते आगे भी जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। मैं जब 3 साल पहले शिमला आया था तो हम यहाँ पर 12-1 बजे के बाद आए थे, तो मैंने देखा था बहुत चहल पहल थी। यहाँ पर कुछ लोग मैगी भी खा रहे थे उस समय। इस समय सुबह 7:30 बजे ऑब्वियसली टूरिस्ट कम है, लेकिन 11-12 बजे के बाद आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए यहाँ से आगे 6 किलोमीटर पे कुफरी है और कुफरी से 6 किलोमीटर आगे पे फागु है। फागु पहुँच कर आपको ज्वाइन करते हैं। फागु टॉप हम पहुंच चुके हैं। आज 22 जून है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्पीति टूर कर रहे हैं, आज हमारा नाइट स्टे सराहन में रहेगा। ये तो जर्नी हम टैक्सी में कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं हमारी ये गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप बस पे ये जर्नी करना चाहते हैं यहाँ से काजा जाने के लिए, मतलब शिमला से काजा जाने के लिए, तो आपको जर्नी दो पार्ट में करनी पड़ेगी। यहाँ से आप रिकोंगपियो जाएंगे शिमला से, और रिकोंगपियो से आगे आप काजा जाएंगे। मैं कल रात को शिमला बस स्टैंड गया था, मैंने पता लगाया शाम को 6:30 बजे बस चलती है जिसका किराया होता है 535 रुपया। तो 535 रुपये की आप टिकट निकाल कर 6:30 बजे शाम को चलेंगे और सुबह 4 बजे रिकोंगपियो पहुंचेंगे। फिर वहां से आपको सुबह 6 बजे की बस मिलेगी काजा के लिए। तो रिकोंगपियो बस स्टैंड पहुँच कर इस इन्फॉर्मेशन को हम वैलिडेट कर लेंगे। चलिए सामने चलते हैं लेक को। और मैंने भी अंदर चेक भी किया था, इस समय 17 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। और स्वेटर की तो सुबह ज़रूरत नहीं है, लेकिन रात के समय आपको हाफ स्लीव स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। सौ डेढ़ सौ मीटर पैदल चलकर हम इस जगह पहुंच गए हैं। आया तो मैं सोचकर था कि यहाँ पर हमको लेक देखने को मिलेगी, लेकिन ये ऐसा छोटी सी जगह बनी हुई है वाटर स्टोरेज के लिए। सही है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर। लास्ट टाइम जब मैं फागु आया था तो मैं इस जगह नहीं आया था। चलिए अब थोड़ा वापस बाहर की ओर चलते हैं। लगभग 150 सीढ़ियां चढ़कर हम टेंपल के पास आ चुके हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अभी हम यहाँ से नारकंडा जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया, पहले जब टूरिस्ट यहाँ पर आते थे तो वो शिमला में रहते थे, 3-4 दिन शिमला में रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। आजकल ना काफ़ी टूरिस्ट पसंद करते हैं कि शिमला के बाहर के जो रीजन्स हैं, जो जगहें हैं, गाँव हैं, वहाँ पर रहें। जैसे नालधेरा, थोड़ा सा आगे जैसे आज हमने सुबह देखा कुफरी, इस समय हम फागु में हैं। तो आजकल लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्राउड नहीं होता, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है और जगह जगह यहाँ पर होम स्टेज भी हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप होम स्टे में रह सकते हैं या अपने लिए कोई गेस्ट हाउस की बुकिंग करवा सकते हैं। इस समय सुबह 9:30 बजे का टाइम हो चुका है, नाश्ता हमारा हुआ नहीं है, भूख लगी है। चलिए हम बाहर की ओर चलते हैं ऑन वे टू नारकंडा और कहीं पर बीच में रुक कर ब्रेकफास्ट करेंगे। फागु से हम लगभग 5 किलोमीटर सीधा आए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक ईटरी आइडेंटिफाई करी है
यहाँ पर हिमाचली भोजन मिलता है और हिमाचली भोजन में ये लोग सिड्डू में स्पेशलाइज करते हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पर दो किस्म के सिड्डू अपने लिए मंगा भी लिए हैं। ये तो नमकीन सिड्डू है, साथ में घी मिला, और ये मीठा सिड्डू है, इसमें भी साथ में इन्होंने हमें घी दिया। यहाँ पर आने के बाद मैंने इनसे टाइमिंग्स के बारे में पता लगाया, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं और सिड्डू खा सकते हैं, साथ में राजमा चावल और परांठे भी उपलब्ध हैं। बाय द वे, बाहर जो आप कवरिंग देख रहे हैं ना, आटे से पेड़ा तैयार करते हैं, थोड़ा आटे को फुला लेते हैं, उससे पेड़ा तैयार करते हैं, अंदर स्टफिंग की जाती है। आज से लगभग मैं जब 3 साल पहले हिमाचल आया था ना शिमला, तब मैंने नालधेरा के पास सिड्डू खाया था, और आज सेकेंड टाइम खा रहा हूँ। ये अंदर की आप स्टफिंग भी देख लीजिए, ये स्टफिंग है अंदर जो आप स्टफिंग देख रहे हैं ना, इसमें बंजीरी, खसखस, प्याज, अदरक रहता है, और साथ में थोड़े मसाले हल्के रहते हैं। बंजीरी मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन स्टाफ ने बताया कि अलसी सीड्स होते हैं ना, उसी प्रकार से बंजीरी का टेस्ट भी होता है और देखने में भी वैसे दिखती है। अंदर की स्टफिंग ना बहुत हल्के मसाले में है और खाने में मज़ा आ रहा है। इसको स्टीम किया जाता है, जैसे मोमोज को स्टीम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। एक बाइट खाने से मेरे को इतना तो पता लग गया कि अगर आपने 2 सिड्डू खा लिए तो समझ लो अब आपको अगले 5 घंटे 6 घंटे भूख नहीं लगेगी, हैवी है। वाकई में जितना स्वाद मैं पहले इंजॉय कर रहा था ना, डबल हो गया है घी के साथ। वाटर टेस्ट सोचो, इतना खूबसूरत स्वाद, हरी चटनी और साथ में घी। अगर आपने कभी सिड्डू नहीं खाया तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, आपको मज़ा आएगा। मौसम भी ठंडा है ना, तो ठंडे मौसम में इस तरह से घी खाओ और इतना पैदल चलो पहाड़ ऊपर नीचे, तो डाइजेस्ट हो जाता है। कभी आपने सिड्डू नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, हिमाचल आके आपको ये चीज़ पसंद आएगी। और इस जगह कर सकते हो क्योंकि शिमला से हम कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ से नज़दीक में एक जगह है ठियोग, तो फागु और ठियोग के बीच में ये जगह है जहाँ पर अभी हम बैठे हैं। नमकीन सिड्डू तो हमने टेस्ट कर लिया, अब साथ साथ ना मीठा सिड्डू भी टेस्ट करें। मीठा सिड्डू के अंदर जो आप स्टफिंग देख रहे हैं, इसमें खसखस और भंगजीरी तो है ही है, इसके अलावा शक्कर और नारियल का बूरा भी है। ये चीज़ मैं पहली बार खा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये टेस्ट नहीं किया था। बड़ा मुश्किल है बोल पाना कि नमकीन ज़्यादा स्वाद है या मीठा ज़्यादा स्वाद है, क्योंकि मेरे को दोनों बेहद स्वाद लगे। तो अगर आप पहली बार इस किस्म की चीज़ खाने वाले हैं यहाँ पर आकर, या शिमला में कहीं पर भी, तो आप दोनों ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा। और मैंने इनको बोला था मेरे को भंगजीरी के सीड्स भी दिखा दो, तो वो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये खसखस इन्होंने मेरे को दिखा दिया सामने। सिड्डू को जो बेस्ट इन्जॉय करने का मज़ा है ना, वो गर्म में ही है। अगर आपने 10 मिनट के बाद खाया, ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप सिड्डू खाएंगे। अभी हम नारकंडा से 17 किलोमीटर पहले मतियाना गांव में रुके हैं। इस कैफ़े पे जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए, खड़ू मार्क ऑफ माउंटेन्स। सामने आपको काफ़ी सारे नेट दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ के ऊपर। यहाँ पर सेब के पेड़ हैं, तो जो ओले पड़ते हैं ना, सेब को ओलों से बचाने के लिए इस तरह से ऊपर नेट डाल देते हैं। तो रास्ते में मैं नोटिस कर रहा था, जब हम फागु से चले तो धीरे धीरे हमको दिखने शुरू हुए, लेकिन यहाँ तो एकदम हमारे सामने देखो कितने सारे सेब के पेड़ हैं। अभी जैसे जून का लास्ट वीक है, जुलाई एंड तक सेब आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रॉपर सेब बल्क में निकलता है वो सितंबर में निकलता है इस बेल्ट में। तो धीरे धीरे आगे किन्नौर की तरफ जाएंगे तो सेब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आता रहता है। तो इस समय सेब तो बड़ा छोटा देखने को मिलेगा, आगे चलकर वो भी हम नज़दीक से देखेंगे। फिलहाल अंदर चलते हैं। कैफ़े के अंदर आके मैंने इनसे डिस्कस किया कि क्या खा सकते हैं, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप लौटे ट्राई करो। तो हमारे लिए लौटे तैयार हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं गेहूं के आटे से बना हुआ चिल्ला, साथ में ये हमें घी और शहद देंगे। बेसिकली लोटे को घी और शहद के साथ सर्व किया जाता है।
यहाँ पर एक चीज़ मैं और डिफरेंट महसूस कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ देख सकते हैं ये पाइन लीव्स हैं, तो इन्होंने या तो ड्राई करके यहाँ पर लीव्स को रखा है या फिर हरी लीव्स रखी होंगी, बाद में ये ड्राई हो गई होंगी। तो ऐसा मैंने एनवायरनमेंट, इस तरह से पाइन लीव्स नीचे हों और वहीं पर आप बैठकर कुछ खा रहे हो, आज से पहले कभी नहीं देखा। और ओवरऑल अंदर का जो एम्बियंस देख के भी ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिशनल फील देने की कोशिश करी है। हाँ जी भैया, तैयार हो गया? लौटे, हनी, शक्कर और घी। और ये जो थाल जो आप देख रहे हैं ये कांसे का? ओह, जैसे रोटी को तवे पे पकाया जाता है ना, ये उस लेवल पे नहीं पकता, इसको पहले निकाल लेते हैं, इसी वजह से ये बहुत सॉफ्ट है। हनी में डिप करके इसका टेस्ट एंजॉय करेंगे। समथिंग डिफरेंट, हनी का स्वाद काफी अच्छा है और एज अ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, लौटे का टेस्ट अगर मैं अपने आप में देखूं तो मुझे पहली बारी में उतना अपील नहीं किया, लेकिन शक्कर और हनी के साथ टेस्ट जम रहा है। आज सिड्डू खाते समय भी मैंने देखा कि साथ में घी दिया था हमें, और यही चीज़ मैं यहाँ लौटे के साथ भी देख रहा हूँ। कुछ देर पहले मेरे को ऐसा लगा कि लौटे और हनी ठीक है, मतलब तीन चार बार खाएंगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन शक्कर और घी जब मैंने लौटे में मिला लिया ना, तो इंतहा हो गई है टेस्ट की, मजा आ गया। शक्कर और थोड़ा सा घी, सुपर्ब सुपर्ब, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। लौटे की बाइट तो मेरी घी में डिप हो गई, कोई बात नहीं। भैया, शक्कर, घी और लौटे तो मेरे को बेहद पसंद आया, मतलब मजा आ गया। तो आपके टाइमिंग्स क्या है रेस्टोरेंट के? हमारी टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 8। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, वेरी गुड, अच्छा लगा है मेरे को ये। और साथ में मैंने अपने लिए ना ग्रीन टी भी ले ली है। थैंक यू भैया, स्वाद अच्छा लगा, और ये घी भी मस्त है, और शक्कर तो वाह। हम इस कैफ़े से निकलने ही वाले थे तो हमारी मुलाकात डोगरा साहब से और मैम से हुई। आज से 2.5 साल पहले जब हम नारकंडा आए थे ना, तो इनके होमस्टे में रुके थे, तो तब हमने बहुत इन्जॉय किया था। इन्होंने काफ़ी कुछ हमें हिमाचली फूड में भी बनाकर ब्रेकफास्ट में और डिनर में खिलाया था, मेरे को काफ़ी याद है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कैफ़े में कुछ ही हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी हैं, तो ये क्या है राइट साइड में? अच्छा, आप देख रहे हो ये पाइन लीव्स है, इसको छोटा सा एक झाड़ू इसका हम बनाते हैं, ये लोकली हमारे यहाँ होता है। इस झाड़ू को हम चूल्हे के आसपास जो हमारा चूल्हा जलता है उसकी राख या छोटा मोटा कूड़ा कचरा साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा, ये जो इसको हम पूड़े बोलते हैं, ये हेम्प का जो हमारा हेम्प का जो प्लांट रहता है, भांग जिसको बोलते हैं, उसके रेशे की बनाई जाती है। इसको हम इंडोर यूज़ के लिए, अंदर हम जूते घरों के अंदर नहीं पहनते, तो इसको अंदर यूज़ करने के लिए इसको पहना जाता है। ऊपर से वुलन है तो ये ऊपर से वुलन है, थोड़ा गर्म भी रहता है, और ये नीचे ये जो हेम्प का रेशा है वो इससे बनाया जाता है जी। मैंने कुछ देर पहले ऐसे ही शॉपकीपर से बात इनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया ये सेल भी करते हैं यहाँ पे 350 रुपीस का प्राइस है, 350 एटलीस्ट, और इसका प्राइस 80 रुपीस। अच्छा, अभी इनके यहाँ पर हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं जो मेरे को बहुत पसंद आई हैं। अब देखो, ये चितकुल की फोटो है, तो हमें बर्फ तो दिखाई नहीं देगी जब हम चितकुल जाएंगे, क्योंकि अभी बर्फ का टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा सीनिक व्यू चितकुल में हमें देखने को मिलेगा। भैया, एक वो फोटो दिखाओगे, वो कौन सी लेक है? ये देखते हैं जरा, इसका नाम है युल्ला कांडा, किन्नौर में। तो अगर हम यहाँ जा सके ना, तो यहाँ पर भी जाएंगे। लेक देखो कितनी प्यारी लग रही है। इन्होंने लिखा है, बिलीव टू बी होम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेंपल विच इज लोकेटेड इनसाइड द लेक। अच्छा जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ से हम नारकंडा से होते हुए हाटू पीक जाएंगे। नारकंडा से कितना, 7 किलोमीटर? हाटू पीक पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमको हाटू पीक पहुँचने में 40 मिनट लगने चाहिए, 40 मिनट ना, 20 मिनट और प्लस 20 मिनट। ठीक है, चलो
ओके जी, बाय बाय। नारकंडा क्रॉसिंग से 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के अभी हम हाटू पीक पहुंच चुके हैं। इस समय देखिए मैं आपको हाटू पीक का नज़ारा दिखा रहा हूं। आज से जब मैं 3 साल पहले आया था ना, तो इस जगह लोग गाड़ियां खड़ी नहीं करते थे, यहां से सीधे चले जाते थे और टेंपल के पास करते थे। तो अभी यहां पर गेट बन चुका है, तो आपको गाड़ी इधर खड़ी करनी है और यहां से आगे पैदल जाना है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि अगर मेरे को खुद गाड़ी चला के यहां पर आना होना तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टीप है और कुछ जगह तो ऐसी आती है जहां पर अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब एक एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तो वही गाड़ी आराम से निकाल लेगा। चलिए आगे चलते हैं। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये हाटू माता का मंदिर है। काफ़ी टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो हाटू माता के दर्शन भी करते हैं और उसके बाद सीनिक व्यूज़ भी इंजॉय करते हैं। चलिए पहले मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। हाटू माता के हमने दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पर आके वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें जैसे लगभग 1.25 घंटा हो चुका है यहाँ पर आए हुए, तो हर 10-15 मिनट में मौसम बदल जाता है। तो अचानक बादल आ जाते हैं, 10 मिनट के बाद धूप आ जाती है, मतलब बादल हट जाते हैं, धूप आ जाती है। यहाँ पर सामने ना आप देखिए सराय भी है। यहाँ पर मैंने आके पहले ही पता लगा लिया था, इनके पास 3 रूम्स हैं, तो चार्ज यहाँ पर रहने का कुछ नहीं होता। मंदिर की जो कमेटी है उन्होंने ही ये सराय बनाई हुई है, तो अगर आप रात को यहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो कोई प्री बुकिंग जैसा सीन नहीं है, आप आके एकोमोडेशन अवेलेबिलिटी चेक कर लो और यहाँ पे आप रह लो। ये है कि रहने की सुविधा शेयरिंग बेसिस पे है। चलिए अब थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं। हाटू पीक से हमने 7 किलोमीटर का सफ़र किया, पहाड़ से नीचे की ओर आए और पहुंच गए नारकंडा। नारकंडा से हमने 8 किलोमीटर का सफ़र किया और हम पहुंच चुके हैं तानी झुबर लेक। लेक आपके सामने है। अगर आप यहां पर आएंगे ये सोचकर कि ये बहुत बड़ी लेक देखने को मिलेगी, बोटिंग हो रही होगी, तो ऐसा यहां कुछ भी नहीं होता। तो यहां पर आके फर्स्ट इंप्रेशन तो ऑब्वियसली आप आके लेक देखते हो। सेकेंड चीज़ मैंने जो यहाँ नोटिस करी है पिछले 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आए हुए हमें 5 ही मिनट हुए हैं यहाँ पर, साथ में जो आप पेड़ देख रहे हैं लेक किनारे, जो इतने सारे पेड़ हैं, इनकी रिफ्लेक्शन जो पानी में पड़ रही है ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है, अभी 5 बजने को है, सूरज ढल जाएगा थोड़ी देर में, और ये रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी लग रही है कि मन हो रहा है कि 15-20 मिनट हम इस रिफ्लेक्शन को ही देखें। मतलब ये एक्सपीरियंस आपको हर जगह नहीं मिलता। मैंने बहुत सारी लेक्स देखी हैं लेकिन इस तरह की रिफ्लेक्शन नहीं मिलती देखने को, और ये अपने आप में बेहतरीन एक्सपीरियंस है। शांति है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लिमिटेड टूरिस्ट हैं, और चारों तरफ आप देखो कितने सारे पेड़ हैं और नाइस एनवायरनमेंट। और अगर आप नारकंडा आए हैं तो यहाँ पर आना चाहिए और इस शांति को और इस एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहिए। 15-20 मिनट आप यहाँ पर घूमेंगे मतलब ऐसा लेक किनारे ऐसा 2-3 राउंड करते हैं, और उसके बाद हमारा प्लान रहेगा यहाँ से रामपुर जाना। रामपुर यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, तो पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। और रामपुर के बाद वहाँ से हम सराहान जाएंगे, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ देर लेक किनारे घूमते हैं और फिर आपको रामपुर पहुँच के ज्वाइन करेंगे। लगभग 2 घंटे का सफ़र करके हम रामपुर बुशहर पहुंच चुके हैं।
हमने अभी गाड़ी रोकी है सतलुज नदी का व्यू देखने के लिए। पिछले एक घंटे से हमें ये नदी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम हाइट से देख रहे थे। अब पहाड़ उतरते उतरते हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से नदी हमारे काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पर है। अगले 2 से 3 दिन तक हमें सतलुज नदी जगह जगह दिखाई देगी। इस समय हम कैफे सतलुज के बाहर खड़े हैं। बोर्ड पे आप डिस्टेंसेस पढ़ सकते हैं, नारकंडा शिमला यहाँ से कितना दूर है। आप देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ों के बीच में रामपुर बुशहर है। टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो पैलेस विजिट करते हैं, जो राजा का पैलेस है। हिमाचल के एक्स सीएम श्री वीरभद्र सिंह जी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो पैलेस की देखरेख वही करते हैं। इस समय 7:15 हो चुके हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम डायरेक्टली सराहान जा रहे हैं जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अब हम आपसे अगली मुलाकात सराहान पहुँच कर करेंगे। इस समय रात के 10 बजे, अब जाके फाइनली हम सराहान पहुंचे हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने बुकिंग करवाई श्रीखंड में, ये हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी है। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 1950 रूम टैरिफ पड़ा, जो कि 20% डिस्काउंट के बाद का टैरिफ है। अगर हमने कल ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई होती तो यहाँ पे शायद आज हमको रूम नहीं मिलता, क्योंकि इस समय इनकी ऑक्यूपेंसी एकदम फुल चल रही है। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जब हम हाईवे से आ रहे थे तो मैंने नोटिस किया सराहान के लिए हमने टर्न लिया और हम 18 किलोमीटर अंदर आए। अब कल सुबह हम वापस 18 किलोमीटर बाहर की ओर जाएंगे। तो यानी अगर आपकी आइटनरी में सराहान है तो आप 18+18 36 किलोमीटर्स की एक्स्ट्रा जर्नी करेंगे। हमें बहुत सब्सक्राइबर्स ने रेकमेंड किया था कि जब आप स्पीति रूट पे जा रहे होंगे तो सराहान ज़रूर जाना, मिस मत करना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आए। कल का प्लान ये रहेगा, हाफ डे तो हम यहीं रहेंगे दोपहर में 1 या 2 बजे तक, या मे बी 12:30-12 बजे तक, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे चितकुल के लिए। तो वहाँ पर रहने की मैंने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई। दैट रिमाइंड्स मी कि मेरे को अभी थोड़ी देर बैठ कर करवा लेना चाहिए, या कल मॉर्निंग में करवा लूँगा। क्योंकि स्पीति टूर करते समय ये भी बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आप एडवांस बुकिंग करवा के चलें, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउसेज होते हैं या होम स्टेज होते हैं, उनके पास लिमिटेड एकोमोडेशन होती हैं। तो आज आपको बाय बाय कर देते हैं, कल की जो जर्नी होगी वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। वाटरफॉल तो मेरे को कहीं पर भी दिख जाए, मेरे से रुके बगैर रहा नहीं जाता। तो यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए रुक गए हैं, झरने को नज़दीक से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितनी ऊपर से पानी आ रहा है, और यहाँ नीचे देखो कुछ लोग खड़े होकर इंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ में पानी कितना साफ है, जो पत्थर हैं एकदम आर पार दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल।